हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो हम लोग ना किसी भी हम लोग को जो वेबसाइट बनाते हैं ना, उसमें हम लोग कैसे मल्टी लैंग्वेज वाला सिस्टम दे सकते हैं। मतलब यूजर जो है कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके हिसाब से उसका पूरा का पूरा वेब पेज जो चेंज हो जाएगा उस लैंग्वेज में। अगर वो हिंदी चूज़ किया तो पूरा का पूरा वेब पेज हिंदी में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर वो इंग्लिश चूज करेगा तो इंग्लिश हो जाएगा, या फिर कोई और लैंग्वेज करेगा तो उसमें जो पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और जो है पूरा चेंज हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। तो उस तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, अगर मैं डेमो दिखाऊँ तो डेमो कुछ इस तरीके का है। यहाँ मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बटन जैसा लगा आपको सिलेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ बेसिकली मैंने कुछ ही ऑप्शंस को दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है मोर देन 100 लैंग्वेज, मतलब एक से तो ज़्यादा लैंग्वेज है इसमें। जैसे कि गूगल बेसिकली हम लोग क्या करें, गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करें, ठीक है, जो कि बहुत ईजिली यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेज पर मैंने इसको कस्टमाइज़ किया है, मुझे जो जो लैंग्वेज चाहिए था मैंने उसी को ही बस डाला, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए अरबिक करके दिखाता हूँ। अरबिक देखिए इस तरीके का कुछ हो गया अरबिक में, जिसे आता है वो पढ़ सकता है क्या लिखा है। तो यहाँ पे मैं बांग्ला यहाँ पे कर दिया, देखिए बांग्ला में हो गया। यहाँ पे मैं हिंदी करूँगा तो ये हिंदी में आ गया है। देखिए यह वह पृष्ठ है जो आपकी वेबसाइट में भाषा विकल्प जोड़ने में आपकी सहायता करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पे कनाडा में मैंने कर दिया है, कनाडा वाले लैंग्वेज में। यहाँ पे मलयालम, मराठी, उसके बाद ये रोमन नहीं, रशियन या रोमन, मुझे नहीं पता ये कौन सा लैंग्वेज है। ये तमिल है, ये तेलुगु है, नीचे यहाँ नीचे उर्दू, जिसे आता है वो पढ़ के समझ सकता अच्छे से। पेज को फिर रिफ्रेश किया तो उसी स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाला गूगल ट्रांसलेट। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें बोलना चाहूँगा। पहला बात ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें। देखिए 90% लोग जो वीडियो देख रहे पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जो कि बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, वीडियो भी देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसको करते बाद यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप खुद का कोई कस्टम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये रहा मेरा प्रोफाइल का लिंक, इसको भी करते हैं बंद। तो ये रहा पेज जहाँ पे हम लोग कोडिंग करने वाले, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बेसिक सा जो कोड होता है हमेशा लिख लिया, एक फॉन्ट फैमिली दे रखा है, थोड़ा बहुत जो कलर वलर होता है कर दिया। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ ना ब्राउजर का स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट टू एक लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मल्टी लैंग्वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ, चूज अनदर लैंग्वेज करके, ठीक है। तो गूगल वालों को मानना है कि आप लोग जो इस तरीके का कुछ यूज़ करिए, ठीक है, आप लोग API का चक्कर मत पड़िए, ठीक है। फिर भी मैं बहुत मुश्किल से इसको खोज के लाया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोडिंग पे जाते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली ना एक पैराग्राफ लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे ना एक डमी टेक्स्ट उठाने के लिए गूगल पे जाके ना लिख देता हूँ कुछ भी अबाउट, इन सभी को कॉपी कर देते हैं और जाकर सिंपली पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे उतना टेक्स्ट टाइप लिखना है नहीं। और पी को थोड़ा स्टाइल करके उसको थोड़ा कलर दे देते हैं, कलर वाइट। इसको एक पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल का, रिफ्रेश करूँगा टेक तो वाइट जो यहाँ पे वाइट हो गया है, तो इसको ना ब्लैक कर देते हैं, BLACK ब्लैक। रिफ्रेश करूँगा तो ब्लैक कलर का मुझे टेक्स्ट मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको ट्रांसलेट करें। देखिए कितना आसान है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं दो प्लगइन जैसा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये lang.lang.act है, ठीक है। इसमें बेसिक सा कोड है जो कि इंट्रैक्ट करेगा हमारे प्लगइन के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास एक language.js का फाइल है, जो कि जिसमें कि 489 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 489 लाइन का कोड लिखा हुआ है, गूगल वालों ने खुद लिख के रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं बंद और सिंपली इन दोनों को पहले अटैच कर लेते हैं इसमें। तो अटैच करने के लिए क्या करना है, स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट src। पहले मैं करता हूँ language.js को lang.language.js। और यहाँ पे एक पेरीमीटर लेता है, पेरीमीटर का वेरिएबल होगा cb। और cb में यहाँ पे जो इन्होंने बोला कि लेगा वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट इनिट करके, ठीक है। तो इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और हो गया। यहाँ पे सिंपली एक और स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट लिख के मुझे इसको ऐड करना है lang.act.js। आप दोनों का फाइल नाम चेंज कर सकते, कोई इसमें इशू नहीं होगा। और यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, देखिए जहाँ पे जिस जगह पे आपको अपना वो सिलेक्टर वाला जो है ना ड्रॉपडाउन वाला चीज़ लाना है, उसके लिए आप सिंपली एक डिव बनाइए और इसका एक आईडी दीजिए, डिव आईडी गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट, यहाँ पे element एलिमेंट। अगर अभी मैं जाऊँ और पेज को करूँ रिफ्रेश तो आप देखेगा यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाना चाहिए था, पर ऑप्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कंसोल पे जाते हैं, कंसोल पे भी कोई एरर नहीं है। तो यहाँ
शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक बार देख लेते हैं। गूगल ट्रांसलेट एलिमेंट लैंग डॉट चेस, तो यहाँ गड़बड़ मैंने ये किया कि यहाँ पे जो यहाँ पे सोर्स होगा src, क्योंकि मैंने टाइप ही रख दिया बाई डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे ना इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ आपको अभी देखिए यहाँ पे आपको मिल गया सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको हिंदी कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किए, पूरा का पूरा पेज देखिए हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, ठीक है, कुछ ही सेकंड में। यहाँ पे कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, गुजराती कर लेते हैं, जिसको आता है वो पढ़ ले, जो पढ़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे इसका दो खामी, इसका एक खामियाजा मतलब इसका एक प्रॉब्लम, छोटा सा माइनर प्रॉब्लम मुझे लगा, वो ये कि इसको जो है ना आप सिंग एक ही पेज में यूज़ कर सकते हैं। एक पेज का मतलब कि अगर मैं दूसरे पेज पे जाऊँ तो ये जो है फिर से इसका लैंग्वेज वैसा का वैसा ही हो जाएगा, ओरिजिनल लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ पे एक लिंक बना कर दूसरे पेज पे जाता हूँ, एक ए बनाते हैं, ए इसका एक HREF देते हैं 2.html, ठीक है, 2.html करके एक पेज देते हैं, HTML, यहाँ पे देखते क्लिक, और 2.html करके एक फाइल बनाते हैं हम लोग फिलहाल अभी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फिर से फोल्डर खोलना होगा अपना, यहाँ पे बनाते हैं 2.html, और जो मैं इंडेक्स में जितना चीज़ लिखा है सब मैं यहीं पे आकर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ये हम लोग को जो है फिर से चेंज करके देता है। यहाँ पे मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ पहला वाला ये, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे जो है ये वैसा का वैसा है, मतलब इंग्लिश वाला ही लाइन आ गया, ठीक है। अगर फिर से मैं इस पर कोई और लैंग्वेज करूँ और फिर से मैं बैक जाऊँ तो ये फिर से वही लैंग्वेज है, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट वाला लैंग्वेज हो रहा है। तो ठीक है, ये इसका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप बहुत आसानी से अपने अपने अपना जो वेबसाइट है, अपना जो वेब पेज है, उसमें लैंग्वेज वाला फीचर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरीके का फीचर चाहिए, मतलब इस तरीके का कि आपको पूरा कस्टमाइज वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए कस्टमाइज है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर सारा का सारा चीज़ आपको दिख रहा है, ऊपर में ये सब डेटा दिख रहा है, नीचे ये सब दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर वो पूरा कस्टमाइज चाहिए कुछ इस तरीके का, उसके लिए मैंने तो बहुत घंटों मैंने बैठ के कोशिश किया, तब जाके मैं इस तरीके का चीज़ अचीव कर पाया, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, आपको मैं ये दे दूंगा, ठीक है। और पूरा का पूरा सोर्स कोड है ना इस चीज़ के लिए, वो मैं गिटहब पर डाल रखा हूँ हमेशा के, तो आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कोई वीडियो पसंद, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।